Hey guys, welcome back to Lifetime Fitness TV. आज की वीडियो में मैं आपको चार ऐसी टिप बताऊंगा जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसमें अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे तो वो आपके लिए टिप है, और अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करते तो एक मिस्टेक भी है। तो इस वीडियो में मिस्टेक भी हो जाएगी और साथ के साथ टिप भी हो जाएगी। तो वीडियो देखने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चैनल पर फिटनेस लाइफस्टाइल की बहुत सारी वीडियो है जो कि अगर आप देखोगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी और साथ के साथ वीडियो बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टिप है कि यूजिंग अ स्किन क्रीम। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि उनकी स्किन टाइप कौन सी है। आपको अगर जानना है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है तो एक वीडियो का ऊपर लिंक आ जाएगा, वो देख लेना। जैसे कि मैं बोल रहा था कि स्किन क्रीम, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हमें क्रीम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। बस सबकी आदत होती है कि सुबह उठ के नहा धो के हम मुंह पे स्किन क्रीम मॉइस्चराइजर कुछ भी लगाएंगे, जो कि गलत है। हाँ, अगर वो हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, पर वो ऐसा नहीं कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आपको लगाना है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि हमारी स्किन खुद अपना एक ऑयल प्रोड्यूस करती है जो कि खुद को नरिशमेंट प्रोवाइड करा सकती है। जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनको मॉइस्चराइजर क्रीम ये सारी चीजें लगानी चाहिए। पर अगर आपकी ऑयली स्किन है जैसे मेरी है, तो मैं एक महीने में एक या दो बार से ज्यादा मैं लगाता ही नहीं, कभी कभार कोई क्रीम मॉइस्चराइजर लगाता नहीं, तो भी मेरी स्किन अच्छी रहती है, नरिश्ड रहती है मेरी स्किन। तो वैसे अगर आपकी भी ऑयली स्किन टाइप है तो आपको भी कोई चीज नहीं लगानी। ये जो अपनी आदत है सुबह उठ के कुछ भी लगाना है वो हमें नहीं करना है। ऑयली स्किन के लिए अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, पर जो नॉर्मली जो चीज हमें दुकानों पर मिलती है वो हमें नहीं लगानी है। तो आप पहले आप ये वीडियो ऊपर जो आएगी आप उसको देखना, उससे आपको पता चल जाएगी कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। तो अगर आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप ये नॉर्मल वाली चीजें क्रीम व्रीम लगा सकते हैं, पर अगर आपकी ऑयली है तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है कोई भी चीज लगाने की। अगर लगाओगे ज्यादा ऑयल हो जाएगा वो फिर अपने पोर्स के अंदर घुसेगा, पिंपल जितनी भी स्किन डिजीज प्रॉब्लम होती है सारी, आपके इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ज्यादा चीजें नहीं लगानी। और ये जो चीज दिमाग में है अपन सबके कि सुबह उठ के फेस पे कुछ लगाना है वो नहीं करना, हमें जितना हो सके मतलब फेस वॉश करना, जो कि चीज मैं आगे पॉइंट में बताऊंगा। जैसे कि आप ये बात समझ गए होंगे कि हमें कोई भी स्किन क्रीम प्रोडक्ट हमारे फेस पे फालतू में नहीं लगाना है, जिस चीज की नीड हो वही लगानी है। आदत में नहीं डालना कि सुबह उठ के कुछ भी लगाना है, ये चीज आप समझ गए होंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है ईटिंग जंक फूड। अब आप सोचोगे जंक फूड का स्किन से क्या कनेक्शन हुआ। अगर हम जंक फूड ज्यादा खाएंगे, बाहर की चीजें ज्यादा खाएंगे, तो हमारे पेट में जाके वो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी, और अगर वो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी वो गैस बनाएगी, टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगी, तो उसके जो टॉक्सिक होता है वो हमारी स्किन के थ्रू बाहर आएगा और पिंपल जैसी प्रॉब्लम वो कर सकता है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, अच्छी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं दोगे, तो उससे आपकी स्किन भी खराब होती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में हेयर के बारे में बताया था, उसमें मैंने बोला था कि हमारे हेयर को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वैसे ही सेम चीज है, हमारे फेस को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि विटामिन मिनरल्स और भी बहुत सारी चीजें होती है वो हमें चाहिए होती है। तो वैसे ही हमें चीज ध्यान में रखनी है। अगर हम जंक फूड हफ्ते में एक बार खाएं तो ठीक है, पर अगर आप हफ्ते में दो से तीन बार जंक फूड खा रहे हो तो उससे आपका बॉडी तो खराब होगी होगी, साथ के साथ आपके स्किन और हेयर दोनों खराब होंगे। अगर जंक फूड ज्यादा हमारे स्टमक में रहेगा और डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और टॉक्सिक हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए जो आपने चीज सुना होगा कि डिटॉक्स ड्रिंक पीनी पड़ती है। डिटॉक्स ड्रिंक इसलिए होती है क्योंकि वो टॉक्सिक खत्म हो, टॉक्सिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो जंक फूड खाना हमारे पेट में पड़ा रहता है। जैसे कि कोई चीज होती है जो डाइजेस्ट ही नहीं होती हमारे पेट में, वो हर चीज जो होती है हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होती, वो हमारे स्टमक में ही रह जाती है। तो क्या करती है, वो गैस प्रोड्यूस करती है, टॉक्सिक्स प्रोड्यूस करती है, जिससे कि हमारी बॉडी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। आपकी बॉडी में कुछ भी गलत चीज डालोगे तो उसका नतीजा भी गलत ही होगा, गलत काम की चीज गलत ही होगी। वैसे ही अगर आप ज्यादा जंक फूड डालोगे वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी बॉडी और वो टॉक्सिक की फॉर्म ले लेगी। तो अगर आप गंदी चीजें खाओगे तो स्किन आपकी अच्छी तो होगी ही नहीं, पर अगर आप अच्छी चीजें लोगे जैसे जूसेस पियोगे, फ्रूट्स और ये सब चीजें ज्यादा खाओगे, तो उससे आपकी स्किन अच्छी भी होगी और स्किन टोन भी हो जाएगी और स्किन पे एक अलग ही चमक आके दिखेगी आपके फेस पे, अगर आपने रेगुलर अच्छा खाना खाया और जंक फूड अगर कम कर दिया तो। फिर पिंपल और ये जो प्रॉब्लम होती है ये भी आपकी कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है रेगुलर वॉशिंग। अगर हम हमारे फेस को दिन में 3 से 4 बार अगर धोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी ये इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ और मेरी स्किन लगभग बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा, मैं फेस वॉश की बात नहीं कर रहा, फेस वॉश से अगर दिन में एक बार धोना चाहो तो ठीक है, वैसे भी वो केमिकल वाला प्रोडक्ट है तो आप हफ्ते में उसको 2 से 3 बार लगाओगे या दिन में एक बार लगाओगे तो वो चीज चलेगी। मैं अभी नॉर्मल पानी से धोने की बात कर रहा हूँ, ठंडे पानी से आप धोना चाहो तो वो अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, अगर हम रेगुलर अपना फेस वॉश करेंगे तो उससे जो भी डस्ट चिपकती है हमारे फेस
फेस के ऊपर वो हट जाएगी। जैसे आपने सुना होगा पॉल्यूशन और ये चीजें होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता ये सारी चीजें हमारे फेस पे स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स होते हैं। पिंपल्स इसलिए होते हैं कि डस्ट पार्टिकल अपने स्किन के पोर्स में घुस जाते हैं और फिर वो ऑयल वॉल के साथ मिक्स करके एक्ने पिंपल की फॉर्म ले लेते हैं। तो अगर आप आपका फेस रेगुलर वॉश करते रहोगे तो जो भी पॉल्यूशन स्टिक होगा वो उतर जाएगा। चाहे आप दिन में 2 से 3 बार नहीं धो पाओ तो ये चीज ध्यान में रखना कि जैसे स्कूल कॉलेज ऑफिस से आके आप आपका फेस धो, या अगर आप कहीं बाहर खेलने गए हो जिम एक्सरसाइज करके आए हो तो उसके बाद आपका फेस वॉश करो। उससे क्या होगा, जो भी डस्ट रहेगी वो आपके स्किन के पोर्स में नहीं जाएगी और उससे आपकी स्किन डिग्रेड नहीं होगी, जो भी गंदी चीजें डस्ट वस्ट चिपकी होंगी सारी उतर जाएंगी। फोर्थ पॉइंट है टचिंग पिंपल्स। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत लोगों की गंदी आदत होती है, उनके पिंपल या कुछ भी हो जाता है तो उसको बार बार टच करते हैं या उसको रब करने की कोशिश करते हैं। पिंपल जब होता है तो उसके ऊपर एक चीज ऑयल होता है वो जमा हो जाता है, और अगर हम उसको बार बार टच करते हैं तो ऑयल उन एक्ने में से पिंपल में से बाहर भी आ जाता है, और वो जहाँ जहाँ भी टच होएगा वो वहाँ पे भी आपके पिंपल वापस ला देगा। जैसे कभी आपने देखा होगा कहीं आपका पिंपल है, आप उसको टच वच करते हो तो उसका जो ऑयल होता है वो बाहर आ जाता है, तो वो उन जगहों पर भी कर देता है। तो अगर आपके पिंपल हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका फेस वॉश कर सकते हो रेगुलरली, आपको बस उसको टच नहीं करना है। ये चीज ध्यान में रखनी कि ना हमें टच करना है ना रब करना है, कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा अगर आप हेल्दी डाइट लोगे, न्यूट्रिएंट्स लोगे बॉडी में, और जो मैंने 3 पॉइंट पहले बताया उनको फॉलो करोगे तो वो चीज अपने आप सही हो जाएगी। नेचुरल चीजें बहुत लोगों की होती है टीनेज में, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको उसको टच नहीं करना, अगर आप टच करोगे तो एक पिंपल की जगह 2, 3, 4 पिंपल भी हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, उसको टच नहीं करना, जैसा है उसको वैसा का वैसा ही रहने दो, अपने आप 2 से 3 दिन में सही हो जाएगा। तो मेरे साथ ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको बहुत नॉलेज भी मिली होगी। तो साथ के साथ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे मैंने पहले बोला था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।